हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं हेयर टिप बताऊंगी जिससे आपके हेयर सुंदर भी दिखेंगे, घने भी रहेंगे और लंबे भी होंगे। तो देखिए, मैं आज इसमें स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगी, अपने बालों में खुद करके दिखाऊंगी। तो देखिए, अपने बालों की केयर करनी चाहिए और उसकी देखभाल अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि आजकल बाल इतने टूट रहे हैं ना कि पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। हर कोई कहता है कि मेरे बाल टूट रहे हैं, मेरे बाल टूट रहे हैं। तो इसके लिए हमें अपने बालों का ध्यान रखना पड़ेगा, उसका ख्याल रखना पड़ेगा। और इसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है जो कि हम कर सकते हैं। अब वो घर पे ही कर सकते हैं ना, हमें पार्लर जाने की ज़रूरत होती है ना स्पा कराने की ज़रूरत होती है, तो कहीं जाने वाने की ज़रूरत नहीं होती, घर पर ही हम कर सकते हैं। अगर आप भी बालों के टूटने की वजह से परेशान हैं तो स्टेप करके देखिए ज़रूर एक बार। तो चलिए, आज हम दिखाएंगे आपको। देखिए, हमारे बाल भी जो झड़ते रहते हैं या आगे के छोटे रहते हैं तो वो जल्दी से बढ़ जाते हैं और घने भी हो जाते हैं, सुंदर हो जाते हैं। देखिए, बालों में खूब चमक रहती है। तो अभी मुझे बाल धुलना है, मैंने धोया नहीं है। मैं ये स्टेप बाई स्टेप करके आप लोगों को फिर जाऊँगी धुलने। तो देखिए, इसलिए मैंने सोचा कि पहले आप लोगों को दिखा दूं, उसके बाद मैं बाल धुलने जाऊंगी, क्योंकि मुझे तेल लगाना था। आजकल तो सभी बाल घने, लंबे और सुंदर चाहते हैं। अगर आपको भी सुंदर बाल और लंबे चाहिए होंगे तो देखिए। तो देखिए, इसमें मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है, और ना ही मुझे कहीं एफर्ट करने की ज़रूरत पड़ी है, ना ही मुझे कहीं जाने की ज़रूरत पड़ी है। तो हम अपने फिंगर को ऐसे रफ़ करेंगे, एक दूसरे पे रगड़ेंगे। फिंगर नेल्स को रफ़ करने से बहुत ही अच्छा होता है। आम भाषा में इसको बलियाम योगा के नाम से सुना होगा आप लोगों ने या जानते होंगे। जब आप अपने फिंगर्स के नेल्स को रफ़ करते हैं, रगड़ते हैं एक दूसरे पे, तो हमारे नेल्स में एक नर्व भूति होती है जो हमारे ब्रेन को सिग्नल देती है, भेजती है, और ख़राब बालों को, डेड बाल, डैमेज हो चुके बालों को ये कर देता है, मजबूती बनाए रखता है बालों में। बलियाम योगा हमारे स्कैल्प के ब्लड फ्लो को भी स्टिमुलेट करता है, तो इसलिए हमें ये फिंगर टिप ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए, इससे हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। आप इसे एक बार करके देखिएगा ज़रूर। तो अब हम इसका बालों को काटेंगे नहीं, ट्रिमिंग करेंगे। आप ये घर पे भी कर सकते हो, आप चाहो तो पार्लर में भी करा सकते हो, लेकिन उन्हें बता देना कि मुझे ट्रिमिंग करानी है, कटवाना नहीं है, क्योंकि कटवाने पे वो लोग ज़्यादा काट देंगे और ट्रिमिंग करने पर बस किनारे का थोड़ा थोड़ा निकालते हैं। तो मैंने अभी थोड़ा सा अपना बाल कुछ दिन पहले काटा हुआ था, तो इसलिए मैं ज़्यादा काटूंगी नहीं, बस आप लोगों को दिखा दूंगी थोड़ा थोड़ा काट के। तो हमें अपने बालों को अच्छा बनाना चाहिए, सुंदर बनाना चाहिए। अगर हम उसका ख्याल रखेंगे तभी तो वो हमारा ख्याल रखेगा, हमें सुंदर बनाएगा, क्योंकि हमारी सुंदरता तो बालों से ही है। अगर बाल सुंदर बने रहें तो हम भी सुंदर ही दिखेंगे। तो इसलिए हमें बालों का ध्यान रखना चाहिए, बालों की सुंदरता बढ़ानी चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी नहीं आप पैसे ही लगाओ, घरेलू उपाय से भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। घर में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम अपने बालों का अपना ध्यान रख सकते हैं। तो देखिए, अब हम मैं अपने बालों में ऑयल लगाऊंगी। आप ऑयल लगा सकते हो कोई भी, लेकिन मैं ज़्यादातर डाबर आंवला का ऑयल लगाती हूँ। तो देखिए, डाबर आंवला का अगर जानना है उसके बारे में, डाबर आंवला का तेल कब और कैसे लगाते हैं, तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। मैं एक बार आप लोगों को दिखाऊंगी, करके दिखाऊंगी, अपने बालों में यूज करके दिखाऊंगी, बताऊंगी नहीं, यूज करके दिखाऊंगी। देखिए, तो आते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ। तो ये हमारा फिंगर है, हम अपने फिंगर से बालों में धीरे 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 मसाज करेंगे। बहुत जल्दी जल्दी नहीं कि नाखून से हम बहुत जल्दी जल्दी करने लग जाएं, क्योंकि होता है नाखून लगा के रगड़ देता है, तो नाखून से नहीं, फिंगर से। फिंगर का जो हमारा अंदर का ही हिस्सा होता है मुलायम वाला,
उससे हम धीरे 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 ऐसे मसाज करेंगे। मसाज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जितना ज़्यादा मसाज करेंगे उतना ज़्यादा हमारे ये, तो इससे क्या है हमारा दिमाग भी अच्छा रहता है और बाल तो अच्छा ही बना रहता है। बालों के लिए तो हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, बालों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए ये है डाबर आंवला, अब कोई भी तेल यूज कर सकते हैं लेकिन मैं ज़्यादातर डाबर आंवला का तेल यूज करती हूँ। छोटी थी तो मेरी मम्मी सरसों का तेल लगाती थी, लेकिन अभी मैं जब से लगाना स्टार्ट करी हूँ तो मैं यही डाबर आंवला का तेल लगाती हूँ अपने बालों में। तो देखिए इसको हम पहले कटोरी में निकाल लेंगे तेल को। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप लगाते जाएंगे, ये नहीं है एक ही जगह रख लें और रगड़ दें। तो देखिए मैंने कटोरी में तेल निकाल रही हूँ और इसमें मैं थोड़ा सा नींबू डालूँगी, क्योंकि नींबू हमारे जो बाल में डैंड्रफ होते हैं उसको अच्छी तरह से निकाल देता है। तो देखिए मैं इसको निकाल लूँगी तेल, थोड़ा सा कटोरी में थोड़ा सा मैंने पहले ही निकाला था। तो देखिए इसमें मैं नींबू डाल दूँगी, क्योंकि नींबू जो है वो हमारे जो बालों में डैंड्रफ होते हैं, रूसी जिसे कहते हैं, वो निकल जाएंगे। तो देखिए मैं इसको लगाऊंगी। अगर आप रात में लगा रहे हैं तो रात में लगा के ऐसे चोटी बना के सो जाएं, लेकिन मुझे अभी 2-3 घंटे में धुलना है तो मैं इसे लगा के धुल दूंगी। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30, इसलिए मैं लगा लूँगी। लगाने के बाद मैं 8-9 बजे तक धुल लूँगी। तो देखिए ऐसे हमें आराम आराम से धीरे धीरे लगाना है। तो ऐसा नहीं है हम बस आगे तेल लगाएं, हमें पीछे भी लगाना है। तो पीछे ऐसा है, कोई कोई करता है कि बस आगे लगा लेते हैं पीछे नहीं लगाते। तो हमें जितना हम आगे के बालों का ध्यान रखते हैं वैसे ही हमें पीछे के बालों का भी ध्यान रखना चाहिए और सारे बालों में तेल लगाना चाहिए। अभी तो मैंने थोड़ा सा कुछ देर पहले लगाया था, तो अभी मैं बस आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रही हूँ। अगर आप धुलेंगे तो ऐसे ही रुमाल में लपेट के थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, अगर नहीं धुलेंगे कल धुलेंगे, जैसे आपने रात में ऑयल लगाया है तो रात को लगाया है तो दिन में धुलेंगे दूसरे दिन, तो आप अपने बालों को चोटी कर लें, चोटी बना के सो जाएं। तो देखिए मेरा हो गया। तो आप भी स्टेप बाय स्टेप बालों के केयर को करिएगा ज़रूर। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बताइएगा ज़रूर। नए वीडियो के साथ मैं फिर आऊँगी। बाय बाय।